नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल प्रीतम लॉजिक में। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है दोस्तों, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्लाइड अप का वेटिंग कर रहे थे, तो आज हम आपको बता दें कि आज ही अपडेट आया है दोस्तों। आज से स्लाइड अप चालू है, वो हम आपको दिखलाएंगे कैसे स्लाइड अप होता है और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी क्या अपडेट है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये है दैनिक भास्कर का नोटिस। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, AMU ने आज से आरंभ की है UG पार्ट 1 नामांकन को लेकर स्लाइड अप की प्रक्रिया। स्लाइड अप आप लोगों को बता दिए हम दोस्तों, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। स्लाइड अप में आखिर होता क्या है कि अगर आप दूसरे कॉलेज में अभी नामांकन करा लिए हैं तो आप दूसरे कॉलेज में फिर से नामांकन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या अपडेट दिया गया है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, AMU ने सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट 1 नामांकन को लेकर स्लाइड अप प्रक्रिया के तहत शुक्रवार से AMU पोर्टल पर खोला गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज से पोर्टल पर खोला जाएगा, जिसके तहत कि प्रथम व द्वितीय यानी फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में चयनित वैसे छात्र छात्राएँ जिनका कि मेरिट सूची से संबंधित कॉलेज में नामांकन ले चुके हैं, यानी जिन्होंने अपना नामांकन करा लिया है दोस्तों, और जिन्होंने नहीं नामांकन कराया है उसके लिए भी अपडेट है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, लेकिन किसी भी अन्य कॉलेज में सीट खाली रहने पर अपना नामांकन उस कॉलेज में कराना चाहते हैं वैसे छात्र छात्राएँ इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अपना नामांकन करा लिया है वही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, AMU द्वारा इस प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राओं को 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जिन्होंने नामांकन करा लिया है और जो स्लाइड अप करना चाहते हैं उनके लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा गया है, AMU के नोडल प्राधिकारी डॉक्टर अमर कुमार ने बताया है कि स्लाइड अप की प्रक्रिया के तहत द्वितीय व प्रथम और द्वितीय मेरिट सूची में चयनित छात्र छात्राओं नामांकन लेने के बाद अपना कॉलेज परिवर्तन करना चाहते हैं वैसे छात्र छात्राएं इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, जबकि जिन छात्र छात्राओं का चयन प्रथम व द्वितीय मेरिट सूची में हुआ लेकिन उनके द्वारा किसी भी कॉलेज में नामांकन नहीं लिया गया था, यानी कि जिसका कि दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन उन्होंने अपना एडमिशन नहीं करवाया, ठीक है दोस्तों, उनके लिए भी कुछ दिया गया है। तो ऐसे छात्र छात्राएं केवल कैटेगरी, ठीक है दोस्तों, आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं, वैसे छात्र छात्राएं केवल कैटेगरी और विषयवार ही अपना कॉलेज बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉलेज में जो है दोस्तों अपना कैटेगरी और विषय ही बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि किसी छात्र ने किसी कैटेगरी या विषय में नामांकन लिया है वे अपना कॉलेज बदलना चाहते हैं, तो वैसे छात्र छात्राएं किसी अन्य कॉलेज में नामांकन तभी ले सकते हैं जब उन कॉलेज में उस कैटेगरी और विषय की सीट खाली हो। ठीक है दोस्तों, जब उस कैटेगरी और उस विषय की सीट खाली होगी तभी आप उसमें नामांकन ले सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वही कॉलेज बदलने के क्रम में छात्र छात्राओं को पुनः उस कॉलेज के लिए नामांकन शुल्क भरना होगा। जब आप कॉलेज बदलेंगे दोस्तों उस कॉलेज का नामांकन शुल्क भरना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है दोस्तों, जबकि पूर्व कॉलेज में नामांकन के समय जमा किया गया नामांकन शुल्क छात्र छात्राओं को वापस कर दिया जाएगा। ये सबसे अच्छी खबर है दोस्तों कि जितना भी आप नामांकन शुल्क दिए हैं दोस्तों, जैसे कि किसी भी कॉलेज का किसी भी अमाउंट होता है दोस्तों, तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। अब हम लेकर चलते हैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके दिखाते हैं कि वहाँ का क्या अपडेट है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मुंगेर सिटी में मैंने स्टूडेंट लॉगिन से जाके लॉगिन कर लिया है। तो आपको हम यहाँ दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है बस एक ही ऑप्शन अभी भी ऑन है दोस्तों, और जैसे ही इस पर कॉलेज चेंज का ऑप्शन आएगा तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, योर फी सबमिशन हैज़ बीन डन, इसी प्रकार का बस एक ही नोटिफिकेशन खुला है दोस्तों। जबकि कॉलेज चेंज का नोटिफिकेशन आएगा तो हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, आप मुंगेर यूनिवर्सिटी भी डाल के ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रिसोर्सेज अनअवेलेबल बता रहा है, तो चलिए हम सर्च में क्लिक करके चल जाते हैं। यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी आप टाइप करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो करेगा, तो आप सेम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेम चीज़ दिख रहा है दोस्तों, दिस वेबसाइट हैज़ बीन एक्सपायर्ड 6/11/2020। तो इसके लिए आपको परेशानी नहीं करना है दोस्तों, बस आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी टाइप करके आपको देख लेना है नोटिस बोर्ड में कि इसका नोटिस आया है कि नहीं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ नोटिफिकेशन है जो कि खुल नहीं रहा है दोस्तों। हम टेलीग्राम पेज पे आपको भी लेकर चलते देखते हैं टेलीग्राम पे क्या अपडेट है। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी हम आपको फिर से अपडेट करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है टेलीग्राम मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो कि अभी अपडेटिंग में है। यहाँ पे अपडेट होने के बाद भी देख सकते हैं कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। लास्ट अपडेट 19 नवंबर का ही है जो कि बीएड का एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में था। तो हम आपको बता दें कि ऑफिशियली तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पेपर में आ गया है दोस्तों। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे दोस्तों। इसके लिए बने रहे हमारे चैनल से ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।